अब हम समझने वाले हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म मतलब क्या हो जाएगी, किसी भी जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, जो तुम्हारा ऑप्टिकल मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो वो कम थिकनेस की वजह से एक बड़ा ही हमें कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये कभी ग्राउंड पे देखा होगा तो ये ऑयल जैसे गिरा हुआ है। तो ऑयल गिरने पे ऑयल जो है उस सरफेस पे एक थिन लेयर बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक थिन लेयर है ऑयल की, उसकी वजह से देखो ये तुमको कलरफुल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे अब एग्जाम्पल ले लो ये सोप बबल का। तो सोप बबल बेसिकली क्या होता है, एक थिन फिल्म होती है ना। सोप बबल के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो एक थिन लेयर है। वो थिन लेयर पे देखो तुम ये कलरफुल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या, है ना। तो ये जो पैटर्न बना है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। जैसे वापस यहाँ पे आते हैं, इस इमेज को देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे ये देखो बाहर में इधर वायलेट कलर दिख रहा है। वायलेट कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वायलेट कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और बाकी कलर्स में डिस्ट्रक्टिव या फिर पार्शियली मतलब पार्शियल इंटरफेरेंस है। ओके, अब जैसे यहाँ पे फिर हम ये देखें, ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर दिख रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ब्लू कलर, है ना। फिर यहाँ पे येलो कलर क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ येलो कलर। तो ये हर एक एंगल पे, हर जगह पे अलग अलग कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो वो कलर हमें वहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। सो दिस इज ये लाइक मतलब बेसिक आइडिया अबाउट थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो अब इसकी हम मैथमेटिक्स में जाएंगे कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे एक थिन लेयर ली है, ठीक है, इसका सपोज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, और इसकी जो थिकनेस है टी, थिकनेस इज टी। ओके, तो एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो इस लाइट रे का पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा, करेक्ट। अब जो अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर गई, तो ये सेकंड सरफेस पे जब पहुंची, यहाँ सेकंड सरफेस पे पहुंची है, तो यहाँ से फिर इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और थोड़ी वापस रिफ्रैक्ट करके सामने आएगी। अब ये जो लाइट वापस ऊपर पहुंची, तो इसका फिर से पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो गए। फिर वापस यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, करेक्ट। तो ये ऐसे कहानी चलती जाती है ना। आफ्टर अ फ्यू रिफ्लेक्शन भाई इसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको फिर आगे हम कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो फिलहाल जो है, अब यहाँ पे देखो तुमको ये एक रे दिख रही है और ये एक रे आती हुई दिख रही है, इन दोनों को हमें इंटरफेरेंस करवाना है। तो ये तीसरी रे को हम गायब कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगाने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा है वो है ऑप्टिकल पाथ। याद होगा ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो जैसे मैंने एक मीडियम ले लिया यहाँ पे, इस मीडियम की जो लेंथ है वो लेंथ जो है तुम्हारी लेट से एल है, लेंथ इज एल। तो एक लाइट रे जो यहाँ से जा रही है ना, ये लाइट रे यहाँ से गई, तो इसको इसके अंदर ही बनाते हैं। तो लाइट जो इसके मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड पे गई, तो ज्योमेट्रिकली तो इसने एल पाथ ट्रैवल किया है, पर इसने ऑप्टिकल पाथ कितना ट्रैवल किया है। तो अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लूँ, तो इसका ऑप्टिकल पाथ जो हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ विल बी इक्वल टू एन इंटू एल। क्यों? क्योंकि मीडियम के अंदर लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, तो वो सेम लेंथ में ज़्यादा ऑसिलेशन कवर कर पाती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। तो वैक्यूम में उसको सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन कवर करने के लिए ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, जो कि इक्वल टू होगा एन एल। और जो तुमको दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है वो है फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो जैसे मैं एक यहाँ पे मीडियम की बाउंड्री ले लूँ, यहाँ पे मीडियम तुम्हारा एन वन है, यहाँ पे मीडियम एन टू है। तो एक लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो वो पार्शली रिफ्रैक्ट करेगी और पार्शली रिफ्लेक्ट भी करेगी, है ना। तो मैंने याद है बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका फेज पाए से चेंज हो जाएगा अगर एन वन तुम्हारा एन टू से कम है। तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है वो फेज चेंज करेगी पाए से अगर एन वन जो है वो एन टू से छोटा है। अगर एन वन एन टू से बड़ा है तो फेज चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन पे। ओके, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। एन वन एन टू से छोटा है तो फेज चेंज होगा रिफ्लेक्शन में, और एन वन एन टू से बड़ा है तो रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं होगा। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, कि
कि हम अगर फिलहाल एक सिंपल केस लेते हैं कि जो तुम्हारी सराउंडिंग है वो एयर है, तो ऑब्वियसली ये जो मटेरियल है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन से तो ज़्यादा होगा, मतलब ये एयर से ज़्यादा होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन विल बी मोर देन वन। ओके, तो ये लाइट इंसिडेंट हुई, और ये जो रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड लाइट में फेज चेंज आ जाएगा पाई का। ओके, तो ये नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए। ओके, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पास फेज चेंज पाई आया है ना, फेज चेंजेस बाय पाई, तो पाथ चेंज कितना हुआ? उसका पाथ हम चेंज लिख सकते हैं लैम्डा बाय टू के बराबर। ओके, अब वो लैम्डा बाय टू तुम प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब जो है हमें दूसरी रे देखनी, ये नीचे गई अंदर, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई फिर बाहर आएगी, तो इन दोनों रेज का हमें इंटरफेरेंस करवाना है, इन दोनों रेज का हमें इंटरफेरेंस करवाना है, तो हमें इनका पाथ कंपेयर करना होगा। पाथ कंपेयर हम कहाँ पे करेंगे? जस्ट यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का जस्ट आफ्टर पॉइंट ए हम इसका पाथ देखेंगे, और ये हम एक और यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं है ना, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका हम यहाँ पे पाथ कंपेयर करेंगे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे सो देट हम प्रॉपरली इसको समझ सकें। ओके, तो हमारे पास ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है तुम्हारी टी है, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो एंगल तुम्हारा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट का तो हमें पाथ पता है, उसने पाथ डिफरेंस उसका हमें लैम्डा बाय टू ले लेना है, कि यहाँ से जैसे रिफ्लेक्ट हुई उसमें पाथ लैम्डा बाय टू ऐड हो गया। पर ये जो लाइट आगे गई ये कितना पाथ ट्रैवल करके गई है, हमें ये पूरा पाथ देखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं, हमने ये एंड तो बोल दिया कि ये एंड तुम्हारा ए है, ठीक है, ये एंड हम कर देते हैं बी, ये एंड यहाँ पे हो जाएगा सी। ओके, तो हमें ए बी और ए सी, सॉरी ए बी और बी सी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि ये सिमेट्री है भाई, है ना, ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल होगी, तो हम ए बी की लेंथ देखेंगे कितनी आ रही है पहले। तो उसके लिए ये वाला ट्रायंगल देखो। ओके, ये यहाँ पे जो हाइट है, एम्पलीट्यूड जो है वो है टी, तो ए बी कॉस आर टी के बराबर होगा, तो ए बी इंटू कॉस आर इज इक्वल टू टी, तो मुझे ए बी मिल गया कितना, टी इंटू सेक आर। तो लाइट टोटल पाथ कितना ट्रेवल की, ए बी प्लस बी सी, तो लाइट ने पाथ कितना ट्रेवल किया, पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इनसाइड द मीडियम, ए बी प्लस बी सी, यानी कि टू टाइम्स ए बी कर दें क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर टू ए बी कितना है, टी इंटू सेक आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये लाइट यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुई तो इसका भी तो पाथ या फेज पाए से चेंज होना चाहिए, तो हमने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो वहाँ पे जूम आउट करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे इंडेक्स एन है, तो लाइट एन से एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो उस समय रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन में फेज चेंज पाए नहीं होता, यानी कि यहाँ से इधर आई तो जब रिफ्लेक्ट होके गई तो इसका फेज चेंज पाए नहीं होगा। ओके, अब ये यहाँ से निकल के बाहर आ गई, तो अब हमको क्या करना था, ये दोनों वेव का हमें, ये दोनों रेस का, ये वाली रे और ये वाली रे का हमें इंटरफेरेंस करना है, करेक्ट। ये हमने पाथ निकाला था, यहाँ पे पाथ कितना ट्रैवल किया, टू टी इंटू सेकार, पर क्योंकि वो पाथ उसने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन में ट्रैवल किया, मीडियम में ट्रैवल किया, तो ऑप्टिकल पाथ कितना आएगा उसका, ऑप्टिकल पाथ आएगा हमें एन मल्टीप्लाई करना होगा, तो टू एन टी सेक आर। ओके, ये ऑप्टिकल पाथ दूसरी रे ने ट्रैवल किया, तो इसको हम लिख लेते हैं टू एन टी सेक आर। तो ये रे ने पाथ ट्रैवल किया लैम्डा बाय टू, ऑप्टिकल पाथ, और ये रे ने कितना पाथ ट्रैवल किया, टू एन टी इंटू सेक आर। तो अब ये दोनों रे का हमें इंटरफेरेंस करना है, तो हमें इनका पाथ डिफरेंस देखना है ना, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो इनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे, पाथ डिफरेंस कौन सा,
ऑप्टिकल वो हो जाएगा तुम्हारा 2 NT sec R - λ/2। ओके, अब सिंपल है, अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? जो पाथ डिफरेंस है वो नंबर ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, ने इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो हमें सिंपली लिख देना है 2 NT sec R - λ/2 = m λ। m इज एन इंटीजर ओवर हियर, ठीक है, m क्या है, एक इंटीजर है। और अगर तुम्हें डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा तुम्हारा, 2 NT sec R - λ/2 शुड बी इक्वल टू, डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस में क्या चाहिए होता है, पाथ डिफरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो अगेन m एक इंटीजर है बस। तो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की हमने कंडीशन लगा दी है, इतना सही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। अब एक छोटी सी चीज़ हम समझते हैं, हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस किसका किया है, जो दो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं उनका हमने किया है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, हम इसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, बट सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डू द इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, सो वेयर इज द ट्रांसमिटेड लाइट, ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली, सो दिस इज योर ट्रांसमिटेड लाइट ओवर हियर, राइट? सो नाउ वी विल डू थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। फॉर दैट इट्स अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लुक एट इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू रेज ओवर हियर, करेक्ट? सो लेट्स अगेन नेम द पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स नेम दिस पॉइंट पार्टिकुलरली एज पॉइंट डी। ओके, सो फर्स्ट वी लुक एट दिस फर्स्ट रे। सो वेन द लाइट इज इंसिडेंट इट पासिस अलोंग द पाथ ए बी एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ अ ट्रेवलिंग पाथ ए बी। सो इट हैज ट्रेवल्ड पाथ ए बी, बट वॉट इज द ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ विल बी एन टाइम्स ए बी फॉर दिस रे। ओके, वॉट अबाउट दिस सेकेंड रे? सो फॉर द सेकेंड रे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड इट इज कमिंग आउट। सो इट हैज ट्रेवल्ड 3 times n a b। वाई 3 times? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ओके, नाउ आई हैव नॉट एडेड एनी लैमडा बाय टू इन बोथ ऑफ देम। वाई? बिकॉज दिस रे इज कमिंग आउट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, सो दिस रे केम आउट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। बट वॉट अबाउट द सेकेंड रे? सो रिफ्रैक्शन, नाउ हेयर रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग, दिस इज योर रिफ्लेक्शन, बट इन दिस रिफ्लेक्शन फेज विल नॉट चेंज बाय पाई। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो नो फेज चेंज ऑफ पाई। नाउ दिस रे गोज ओवर हियर, अगेन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सो फॉर दिस रिफ्लेक्टेड रे अगेन देर इज नो फेज चेंज ऑफ पाई, सो दिस विल कम आउट नाउ। सो नाउ दीज टू रेज विल अंडरगो इंटरफेरेंस। सो दिस इज हैविंग 3 n a b, दिस इज हैविंग n a b, सो पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? सो पाथ डिफरेंस विल बी हाउ मच फॉर बोथ ऑफ देम? We could write down path difference will be equal to 3n minus n, so 2n into ab. Okay. Now we learned that ab is equal to n into t into sec r. Sorry, t into sec r. So this your path difference will be equal to, this will be equal to 2n t into sec r. Okay. अगेन नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैमडा, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई टू, दैट्स इट। ओके, सो फॉर द वेव्स विच अंडर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी सी द पार्टिकुलर कलर। फॉर अगेन कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, हेयर वी आर सीइंग वायलेट कलर बिकॉज द वायलेट कलर वेव लेंथ इज अंडर गोइंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेयर ब्लू कलर रे इज अंडर गोइंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेयर येल्लो कलर, हेयर अगेन कमिंग बैक टू वायलेट कलर। ओके, देन हेयर यू कैन ऑल्सो सी ग्रीन कलर। सो दीज द कलर दैट यू ऑब्जर्व हैज एक्चुअली अंडरगॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वाइल द रिमेनिंग कलर्स हैव अंडरगॉन डिस्ट्रक्टिव